हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट, लेकिन उसमें भी एक और टॉपिक लेने वाले हैं हम कि वो भूले नहीं है आपका प्यार। तो क्या है उस पर्सन की एनर्जी, मतलब वो नो कांटेक्ट में भले ही है लेकिन किस तरह से आपको याद कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। चक्र ओरेकल में से 6 कार्ड लेंगे और टैरो में से भी 6 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। अब इसमें से देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। तो ये मिल गए कार्ड। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द स्टार का, जो विश कार्ड होता है। एक्वेरियस है आपका या उनका साइन हो सकता है। इमोशनल तो काफी ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 जग से पानी नीचे की तरफ बह रहा है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि राइट नाउ शायद उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक वक्त आता है ना जब हर किसी को लगता है कि किसी को परवाह नहीं है हमारे जज्बातों की, या फिर कोई हमें ठीक से नहीं समझता, इन इमोशंस में सिर्फ हम ही बहते चले जा रहे हैं, दूसरे को तो कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसा उनको शायद थोड़ा सा लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका भी इस नो कांटेक्ट में इक्वली गिव एंड टेक हो रहा है। यानी कि वो अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो हो सकता है आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास जरूर हो रहा है कि आपकी तरफ से भी आपने थोड़ा सा एक नो कांटेक्ट जोन पकड़ लिया है। मतलब सेम फील कर रहे हैं जो फीलिंग्स वो आपको करवाना चाहते थे कि अब तड़पो मेरे प्यार में, या फिर आपका एक्शन क्या होता है, आपका रिएक्शन देखना चाहते थे, तो वही रिएक्शन अब वो नोटिस कर पा रहे खुद के अंदर जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 जग से पानी बह रहा है, उन्हें भी पता है कि इमोशंस कितने ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो राइट ना इसी बात को लेके शायद कोई ना कोई वो विश कर रहे हैं। हो सकता है आपसे दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ये भी कोई विश हो सकती है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। अपने पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं लेकिन अपनी पैशन के अगेंस्ट। यानी कि अगर उनका दिल कर रहा है आपकी तरफ बढ़ना है तो खुद को रोक रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना है, मुझे खुद को संभालना है। तो इस तरह की थोड़ी एनर्जी में है, खुद से ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तभी कोई भी करता है पर्सन जब उसको खुद के दिल को समझाना नहीं आता। तो ऐसी हालत इस पर्सन की हो रही है, उन्हें अपने दिल को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। फिर है द चैरियट। ये कैंसर का कार्ड है, यानी कि कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये 2 मोस्टली हॉर्सेस माने जाते हैं, एक व्हाइट होता है एक ब्लैक होता है, वैसे ही उनका दिल और दिमाग कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं और इस पर्सन को आगे बढ़ना है। तो हो सकता है दिल भी शायद कुछ सोचने की हालत में नहीं है और दिमाग भी और कुछ नहीं सोच पा रहा, जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये पर्सन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब ये चाहते तो है कि स्पीड लेके जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन मान लीजिए दिल भी आपके बारे में सोच रहा है और दिमाग भी आपके बारे में सोच रहा है तो कैसे ये रथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही शायद कुछ हालत राइट नाउ इस पर्सन की हो रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसा कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने जज्बातों को लेके, जैसा यहाँ पे ये वाटर वापस उसमें डालने की कोशिश कर रही है पानी में, वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हाथ में कप है,
चारों तरफ पानी है, लेकिन इस कप में तो कुछ भी नहीं है, ये खाली है। वैसे ही एक खालीपन का एहसास उन्हें जिंदगी में हो रहा है, काफी ज्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास उन्हें हर पल ये बता रहा है हाउ मच यू लव हिम और लव हर। फिर है द हर्मिट। हर्मिट मतलब वर्गो का कार्ड, आपका या उनका साइन हो सकता है, यानी कि कन्या राशि। तो डीप थिंकिंग चल रही है, खुद के सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, आइसोलेशन मोड में है, जैसा कि हमारा टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट, और ये हर्मिट का कार्ड वही बताता है। हर्मिट मोड मतलब किसी के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, दुनिया को छोड़ के अपने दिल के जज्बातों को समझने में ये पर्सन जुट जाता है। एक मेडिटेशन की फेज जैसा होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है। जो बातें दुनिया भर के लोग किसी को नहीं समझा सकते, वैसी बातें खुद समझ पाता है दिल और दिमाग, जब कोई भी हर्मिट मोड पे चला जाता है। तो ऐसे ही डीप थिंकिंग चल रही है, और ये क्यों चल रही है, क्योंकि ये सच्चे दिल से, दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और किस तरह से उनकी जिंदगी आपसे जुड़ चुकी है इसके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। तो ये तो जैसा कि कार्ड है, यहाँ पे सेंटर पे एक लेडी है। तो अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपके बारे में पैशनेट थॉट्स तो इनके माइंड में है ही, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी भी फील करते हैं, यानी कि आपके बारे में ये कुछ ऐसे जज्बात भी रखते हैं जो शायद आपको पता भी है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टबननेस है, जैसे यहाँ पे एक बुल है जो टॉरस का साइन है, तो स्टबननेस की एनर्जी की वजह से ये अपने जज्बात रिवील नहीं कर रहे हैं, ना ही आगे बढ़ने को तैयार है, यानी कि सीधे सीधे प्यार को एक्सेप्ट करने की बजाय ये खुद को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। तो इस तरह की स्टबननेस की एनर्जी है, हो सकता है आपकी किसी बात की वजह से इनको थोड़ा सा बुरा लगा है, जिस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं तो सामने से नहीं बात करूंगा या नहीं बात करूंगी। तो स्टबननेस की एनर्जी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए जज्बात नहीं है, प्यार तो है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फिर है क्वेस्ट। जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि ये छोटा बच्चा जो है वो कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है, इससे पूछ रहा है। तो वैसे ही शायद ये अपने दिल से भी काफी सारे सवाल जवाब कर रहे हैं जो उनके जज्बात उनसे जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये आंसर पता करने हैं कि आखिरकार इस जर्नी में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। मतलब प्यार कोई भी अगर करता ही है किसी से तो थोड़ा तकलीफ से तो गुजरना पड़ता है, और राइट नाउ ये पर्सन उसी मोड पे है जब इन्हें एहसास हो चुका है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, और इसी वजह से शायद ये कोई नई जर्नी भी शुरू करना सोचते हैं जैसे यहाँ पे। फिर भी उनका जो मन है वो रेडी नहीं होता आगे बढ़ने को, और शायद इसीलिए सवाल जवाबों से थोड़ा घिरा हुआ है राइट नाउ इनका मन। फिर है अबंडेंस। जैसे ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन यहाँ पे सिर पे हाथ लगा के बैठा है क्योंकि इसका कॉइन नीचे गिर गया है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किस तरह से ये कॉइन निकालेंगे, और यहाँ पे दूसरे साइड में ये छोटी बच्ची है जो कोशिश कर रही है इस पेंडुलम से, या फिर कह सकते हैं कि उससे कॉइन निकल सकता है क्या, ये अपनी तरफ से कोशिश करना तो चाहती है और ऐसी कोई एक्शन कर रही है। इसका चाइल्डिश बिहेवियर है क्योंकि इसने दुनिया देखी नहीं है। एक तरफ ये पर्सन है जो काफी ज्यादा दुनिया देख चुका है, फिर भी उससे ये गलती हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जैसे बॉक्स है और बॉक्स के अंदर काफी सारे कॉइन्स हैं, वैसे ही अबंडेंस कब किसको लाइफ में मिलने वाला है ये कोई नहीं बता सकता, और राइट नाउ ऐसे ही अबंडेंस के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। तो जैसा कि ये कार्ड देखते ही पता चलता है कि एक बॉक्स है और उसमें ढेर सारे कॉइन्स है, तो इस पर्सन के मन में राइट नाउ पैसों से जुड़ी कोई बात है और थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं इनको आ रही है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने सिर को हाथ लगा के रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वैसे ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस से भी वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरह से उन्हें सक्सेस मिलेगा, लेकिन इनोसेंटली कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका इंटेंशन तो अच्छा ही है, कहीं पे शायद कुछ पैसे वगैरह फंस चुके हैं, वो भी इन्हें पाने की चाहत है, लेकिन ऑलरेडी इतनी सभी बातों की वजह से परेशान है
और ऐसी परेशानी की हालत में अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो थोड़ा दिल को अच्छा लगता है। वैसे ही शायद कुछ बातें उन्हें लगता है कि आपके साथ शेयर करेंगे तो शायद उन्हें थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन ये बात कर नहीं रहे क्योंकि ये स्टबर्ननेस की एनर्जी में है। रिन्यूअल, जैसे ये कार्ड बताता है कि स्पेसिफिक टाइमिंग पे फ्लावर्स ऑटोमेटिकली खिल जाते हैं, जैसे नेचर में बारिश के बाद फूल खिलते हैं फिर पतझड़ होती है, ये सब एक के बाद एक होता है। वैसे ही लाइफ की भी जर्नी होती है, हमें हर फेज से गुजरना पड़ता है। कई बार हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस हमें ऑटोमेटिकली फील होते हैं कि ये हमारे अंदर चेंजेस आ चुके हैं, और वो हो जाते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। ऐसे ही कुछ रिन्यूअल से ये पर्सन गुजर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस जो वो महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद उन्हें ये प्यार का एहसास हो रहा है भले ही वो आपके नो कॉन्टेक्ट में है। फिर है कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड, यही बताता है कि इस पर्सन को थोड़ा दुख हो रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ खो दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो रो रही है, और जरूरी नहीं है कि ये सच में हुआ है, लेकिन किसी बात को सोच के इसको बुरा लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, इस तरह की हालत उनकी हो रही है। मतलब राइट नाउ अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में है तो इन्हें यही लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों, ये दूरियां क्यों मिल रही है, और ये दूरियां उन्हें जो एहसास करा रही है वो आंसू बन के उनकी आंखों से भी शायद छलक रहे हैं, लेकिन ये किसी को रिवील नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे दो औरा दिख रहे हैं, वैसे ही शायद इनका दिल रो रहा है। जरूरी नहीं है कि सामने से ये पर्सन रो के आपको बता दे हाउ मच दे मिस यू, लेकिन दिल की तो हालत ऐसी हो रही है। फिर है रिलीज, तो जैसे रिलीज का कार्ड है, इसको बहुत दुख हो रहा है, ये जैसे डेथ कार्ड है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का। वैसे ही कुछ बातें हैं जो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उन बातों को इन्हें रिलीज करना होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा स्टबर्ननेस है तो उस स्टबर्ननेस को छोड़ना पड़ेगा, ईगो है तो ईगो को भी साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्यार में तू तू मैं मैं तो होती ही रहती, ऐसा नहीं होता कि बहस नहीं होती, सिर्फ प्यार ही होता है। अप्स एंड डाउन्स तो प्यार में भी आते हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। कुछ बातें जो हमारे प्यार में अड़चने डाल रही है उनको रिलीज करना जरूरी होता है, और इन्हीं बातों को शायद ये पर्सन समझ रहे हैं इस हर्मिट मोड में कि क्या जरूरी है मेरे लिए, क्या रिलीज कर सकता हूँ या क्या करूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और फाइनल कार्ड है, तो जैसा कि ये कार्ड है डिस्पोंडेंस का, इसको लग रहा है कि ये फंस चुकी है। जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, चारों तरफ से इसको लग रहा है कि मुसीबतों ने जैसे इसको घेर लिया है। ये अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करके सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन राइट नाउ अपनी मुसीबतों से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर स्टेज में जैसे ये वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप ही है उनकी वो दुनिया जिसको पाने की इन्हें चाहत है, या फिर ये उसी दुनिया में जीते रहते हैं भले ही आपके कॉन्टेक्ट में है या नहीं। लेकिन अगर कुछ जैसे मुसीबतें जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, तो ये इनको ही काम करना पड़ेगा कि उन मुसीबतों को हटा के आप तक रीच आउट हो जाए और आपको बता दे हाउ मच दे लव यू। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट जोन में तो आप दोनों भी हैं, लेकिन प्यार तो इस पर्सन के दिल में भी है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।